भगवान का नाम है त्रिपति। क्या नाम है? बाद में बोला गया तिरुपति, असली नाम है त्रिपति, जो तीन के पति हैं। ये घटना तब की है जब भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मारी, तो भगवान की छाती पर लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि आप तो लात पड़वा रहे हो हमें, जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत पर आ गई। तिरुपति वाला जी कहां विराजे हैं? तिरुमला में। तो लक्ष्मी जी से भगवान ने पुनः विवाह किया, पद्मावती से भी, पद्मावती एक राजा की बेटी हुई, उनसे विवाह करने के लिए भगवान को थोड़ा कर्जा लेना पड़ा। ठाट वाट से विवाह करना था, इसलिए ठाकुर जी कर्जे में अभी तक चुकाते रहते हैं कर्जा, है ना। तो तिरुपति वाला जी के तीन पत्नियां हैं, बताइए त्रिपति जी के कितनी पत्नियां हैं, कौन कौन सी? आप तो दर्शन किए हैं बालाजी सरकार के, तिरुपति जी के तीन पत्नियां बताओ। एक माता लक्ष्मी जी, बोलो माता, जिन्हें कहते हैं श्री देवी, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री देवी। दूसरी माता पद्मावती, पिछले जन्म में क्या थी पद्मावती? वेदवती, जिन्होंने माता सीता का अभिनय किया था, रावण जिन्हें चुरा कर ले गया, उनसे वादा किया कि मैं कलयुग में विवाह करूंगा, तो श्रीनिवास बनकर आए और श्रीनिवास जी ने विवाह किया। श्रीनिवास मतलब जिनका वास लक्ष्मी जी में हो और जिनमें लक्ष्मी का वास हो, वो श्रीनिवास, श्रीनिवास। तो पहली पत्नी श्री देवी मतलब लक्ष्मी जी, दूसरी पद्मावती मतलब वेदवती, और तीसरी भूदेवी, पृथ्वी पति भगवान, इसलिए नाम पड़ा त्रिपति, बाद में हुआ तिरुपति बालाजी। बोलिए बालाजी सरकार की।